भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले दिनों पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते आज कुशवाहा समाज द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें धीरे धीरे करके सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और रहवासी शामिल हो गए। इस रैली के दौरान भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही कक्काजू के समर्थन में भी नारे लगे। उसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में उनके बेगुनाह होने की बात कही गई। आपको बता दें कि जिला कुशवाहा समाज द्वारा ये मांग भी की गई कि कक्काजू पर लगे झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और उसे निरस्त कराया जाए। इसके बाद कांग्रेस के नेता कैलाश कुशवाहा द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए ये बताया गया कि कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों में झूठी एफआईआर के खिलाफ विरोध और आक्रोश है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या किया जाएगा, इस पर कैलाश कुशवाहा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब है कि केपी सिंह कक्काजू पिछले कई सालों से पिछोर की जनता के लिए सेवा करते आए हैं और उनके द्वारा कभी भी महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई है। जनता के प्रिय होने के चलते उनकी राजनीतिक छवि काफी साफ सुथरी है। केपी सिंह जी के समर्थन में जब पता चला समाज को कि उन पर गलत एफआईआर हुई है और गलत तरीके टोन मरोड़ कर एफआईआर वीडियो जो पेश की गई है क्लिप बना के उसके विरोध में पूरा कुशवाहा समाज कक्का जी के समर्थन में उतरा है कि उनसे एसपी साहब से निवेदन किया है कि एफआईआर बात कांग्रेस का कक्का जी साहब पर जो गलत एफआईआर हुई है जो कि मिक्स करके तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, जो कि 2023 में चुनाव आने वाले हैं उसमें बौखलाए हुए भाजपा लोगों ने सरकार का फायदा लेकर गलत जो कक्का जी व्यापारी की एफआईआर की है उसमें पूरा सीबरी का जिले का कुशवाहा समाज कक्का जी के समर्थन में आया है और मांग करता है कि ये एफआईआर जांच करके वापस ली जाए। यदि एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो फिर आगे कुशवाहा समाज क्या करेगा? अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती तो पूरा कुशवाहा समाज आज तो सिर्फ शुरुआत है, फिर बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होगा।